नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह और आज वीकली रिव्यू बैंक निफ्टी का करेंगे हम और ये जानेंगे कि आपको मंडे टू फ्राइडे जो आने वाला अगला हफ्ता है उसमें आपको ट्रेड कैसे बनाना है, कौन से ट्रेड्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, कौन सा लेवल इम्पॉर्टेंट है और क्या मार्केट में हम ऑप्शन बायर्स के लिए सपोर्टिव है या ऑप्शन सेलर्स के लिए है, इन सारी चीजों को देखेंगे और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डेटा में क्या बनकर आया है। तो टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे और मैं डेटा भी डिस्कस करूंगा एंड देन विल ट्राई टू फाइंड द प्रॉपर सॉल्यूशन फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं प्रोजेक्शन बता सकता हूं कि अगले हफ्ते में क्या होगा और उसके अनुसार से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ऊपर में हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है ये, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मंडे के लिए क्या है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वीकली देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वीकली में, मंथली में और डेली में क्या पोजीशन बना है। तो सबसे पहले हम मंडे के बारे में बात कर लेते हैं। मंडे में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना बोलते हैं और ये हेड एंड शोल्डर अगर कंप्लीट हो जाता है तो द वे शोल्डर हैज डेवलप्ड द फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट, अगर ये हेड एंड शोल्डर हमारा सक्सेसफुल होता है तो यू नीड टू ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन लाइक दैट, यहां तक का आप ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये कल अपने फ्राइडे को लो को ब्रेक करता है तो वहां तक तो बनेगा ही बनेगा, उसके बाद भी इधर बन जाएगा। तो जैसा बैंक निफ्टी का नेचर है वो तोड़ेगा, फिर ऊपर ले जाएगा, फिर आपको एक इंट्राडे में थोड़ा ऊपर दिखाएगा, फिर सडनली कैंडल क्लोजिंग होने के पहले हो सकता है फिर वापस नीचे लेके आ जाए, तो थोड़ा परेशान करेगा, थोड़ा साइड में, उसके बाद नीचे आ सकता है। ये इंट्राडे का एक व्यू है। अगर मंडे को ये जो लेवल है 44,360, तो 44,360 के ऊपर अगर निकल जाता है, अब यहां पर देखिए गैप है, गैप डाउन, सो इसके ऊपर जाने के लिए आपको गैप अप चाहिए मोस्टली एंड देन अगर फ्लैट खुलता है तो समझ जाओ कि आपका यही रेजिस्टेंस है और यहां पे डाउनसाइड ओपन है। ऊपर में जब आए अगर फ्लैट खुलता है तो मैं पुट लेने का चांसेस ट्राई करूंगा और अगर नीचे में यहां पर आए तो मैं एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करूंगा इसके ब्रेकडाउन एंड कंफर्मेशन लेवल का कि क्या होता है, राइट। सो ये हो गया मंडे का बात। इसके ऊपर अगर निकल गया तो दिस पैटर्न विल बी इनवैलिड। ऊपर निकल गया मतलब कि एटलीस्ट आवरली कैंडल और 30 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो जाए एंड देन द नेक्स्ट कैंडल शुड ब्रेक द प्रीवियस कैंडल और उसका मूव करने लगा तो आपको ऊपर का ये जो ट्रेंड लाइन है विच इज अराउंड 44,500 के आसपास, ये ट्रेंड लाइन आपको फॉलो करना है जो ऐसे इंट्राडे में ड्रॉ करके हमने रखा है। ये इंट्राडे का मैं बता रहा हूं। सो दिस इज द सिनेरियो फॉर द मंडे, यू कैन लुक इन टू दैट। नाउ वी विल डिस्कस ऑन वीकली। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में फ्राइडे को जो कैंडल क्लोज हुआ है आप देख सकते हो यहां पे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, राइट। बट यहां पे ये जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 43,500, सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि हम किन तरीकों से हम सोच सकते हैं और क्या क्या हो सकता है मार्केट में, राइट। इफ वी थिंक ऑफ दिस लेवल, तो सबसे पहले अगेन मुझे वीकली में ये जो बना है ऐसा, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को विच इज अराउंड 44,800, ठीक है, जो इंट्राडे में हमने 44,800 से 500 का लेवल जो हमने डिस्कस किया था, इस लेवल के ऊपर समझ लो कि आप ये प्रीवियस वीक पिछले हफ्ते का मंडे टू फ्राइडे का हाई ये आता है आपको 44,950, तो हम उसी को एक रेजिस्टेंस लेंगे 44,950 और नीचे में 43,500, तो ये एक बड़ा रेंज है जिसमें वीकली रेंज बना चुका है। अब क्या कर सकता है, जैसे चूंकि ये ग्रीन कैंडल बना है हो सकता है कि धीरे धीरे ये इस लेवल को जाए वापस एंड देन कंसोलिडेट करे एंड देन फिर इट कैन मूव डाउन एंड देन गिव द ब्रेकडाउन। ये भी सिनेरियो वीकली में, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज 44,950 के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, हमें एक रेंज बाउंड ट्रेड करना है। इस चीज को ध्यान, ये मैं बता रहा हूं पोजिशनल इन सेंस, ये मंडे के लिए नहीं, पूरे हफ्ते या अगले हफ्ते या पूरे मंथ का अगर प्लान कर रहे हो आप तो क्या व्यू लेकर आप प्लान कर सकते हो,
तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसा ट्रेड बनाना है। अगर इसके ऊपर होल्ड कर लेता है देन वी हैव द रेजिस्टेंस ऑफ 46,000 अराउंड एंड देन उसके ऊपर तो फिर लाइफ टाइम हाई। इसके नीचे टूटता है देन अगेन द सपोर्ट विल बी अराउंड 42,500 के आसपास। सो जो मूवमेंट है वो बड़ा बड़ा है, तो इस सिनेरियो को ध्यान में रखना है आपको। इस लेवल से इस लेवल के बीच में आपको ट्रेड में इंट्राडे का मैंने लेवल बता दिया है, उसको इंट्राडे में यूज कीजिए। पोजिशनल अगर कोई कर रहे हो तो आप नीचे लेवल पे यहां पर बाय कीजिए, ऊपर लेवल पे सेल कीजिए, ऐसा एज लॉन्ग एज इट्स ट्रेडिंग इन ए रेंज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक लेवल। मंथली चार्ट में क्या हो रहा है, ये है मंथली चार्ट, राइट। हमारे जो मंथ है अभी 1, 2, 3, 4 चार दिन है मंथ खत्म होने में, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, मार्केट क्या क्या कर सकता है, राइट। अभी चल क्या रहा है एज पर द मंथली चार्ट, ये ऐसा पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अभी यहां पर हम टॉप पर हैं, जब भी ये टॉप पर मंथली में रेड बना है तो क्या हुआ है, 1, 2 मंथ कंटिन्यूअस नीचे आया। यहां भी आप देखो तीसरी ऊपर गया भी है तो वापस में नीचे ही आया है, ठीक है। तो ये अगर मंथली रेड कंप्लीट बन जाता है और जिस तरह का वीकली में पैटर्न दिख रहा है कि ऊपर थोड़ा जाएगा और ऐसा पैटर्न बना है और ये वीकली में जस्ट यहां तक बना है, ये थोड़ा ऊपर जाने के बाद वापस है, तो जब तक ऊपर जाएगा 2 से 3 दिन में ये मंथली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मंथली कंप्लीट भी होता है तो मोस्टली दो, या तो ये और बड़ा होगा कैंडल या छोटा सा ऐसा आपको बनेगा। इस पैटर्न को देखते हुए, और कभी भी आप अगर ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी में या निफ्टी में या किसी भी स्टॉक्स में, तो आपको अप्रोच रखना है टॉप टू बॉटम। बहुत लोग होते हैं बस ओपन किया 15 मिनट का चार्ट देखा इंटर कर गए, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरे ओवरऑल सिनेरियो को समझना होगा। ओवरऑल सिनेरियो समझने के बाद आपको वीकली डेली एंड देन इंट्राडे में आवरली 15 मिनट्स को समझकर फिर आप 2 या 3 मिनट के चार्ट में टाइम फ्रेम में इंटर कीजिए। लेकिन समझना है आपको टॉप टू बॉटम अप्रोच ही रखना है, ठीक है। सो ये जो है ये पैटर्न हमें बता रहा है 3 कैंडल का, और यहां पे जगह जितना जिस तरह का है कम से कम 2 कैंडल तो हमें बन सकता है, या हाफ नेक्स्ट मंथ सितंबर हाफ नीचे आए और सडनली फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे, या छोटा एक कैंडल जो भी हो। अगर ये रेड बन जाता है अगले 4 दिन में रेड रह जाता है हमारा मंथली कैंडल क्लोजिंग होने के पहले, राइट। तो सिनेरियो जो बैंक निफ्टी का हमने देखा है वीकली में, विच इज ट्राइंग टू डेवलप हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट। इंट्राडे में हमने क्या दिखा है कल के लिए नीचे का, तो इंट्राडे वाला 1 दिन 2 दिन कुछ दिन काम करेगा, या हो सकता है ये इंट्राडे में जो बनता है कभी कभी आपको ट्रैप होता है, तो इंट्राडे वाले को थोड़ा संभल कर आपको ध्यान है। वीकली में बना है हेड एंड शोल्डर, बट अभी कुछ दिनों के लिए वो ऊपर जाने का चांसेस रह सकता है क्योंकि यहां से उसको एक शोल्डर कंप्लीट करना है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए जो हमने वीकली चार्ट में डिस्कस किया था। यू कैन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा पीछे कर वीकली जो मैंने डिस्कस जब किया था उसको ध्यान से देखिए। तो क्या हो रहा है यहां पर ऊपर थोड़ा जाने के लिए कोशिश करेगा, तो ऊपर जब तक जाएगा 4 दिन खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ता पूरा, उसके बाद ये भी रेड, वीकली भी रेडी, उसके बाद नीचे। तो ये है व्यू, और ये मैंने इंटरडे बेसिस पे मंडे के लिए बता दिया क्या हो सकता है, फिर वीकली बता दिया, मंथली बता दिया, राइट। एंड आई कीप अपडेटिंग ऑन ट्विटर रिगार्डिंग माय व्यूज कि क्या हो सकता है। जैसे हमने ये निफ्टी का अपडेट किया था कि यहां रेजिस्टेंस है, इसके नीचे आएगा, तो ये नीचे आया, ठीक है। देखिए अगले दिन नीचे आ गया पूरा। जो हमने ये जो 11 अगस्त को डाला था इसके अनुसार मेरा जो टारगेट आ रहा है वो 42,700 आ रहा है, और वो कितना टाइम लगाता है क्या करता है वैसे करते हुए आपको ये 44,500 जो मैंने बताया कि इसके ऊपर थोड़ा गया था लेकिन उस दिन फिर पूरा नीचे आ गया,
तो कॉन्सोलिडेट करेगा, टाइम लगाएगा, फंसा भी सकता तो। लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न बन रहा है मुझे सही नहीं लग रहा है। ये बैंक निफ्टी का डेटा में क्या देख पा रहे हैं हम कि 44,200 लेवल पे 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड देन पुट साइड में एंड देन 11 लाख का कॉल साइड में। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा विच इज मेक एंड ब्रेक फॉर द मंडे। या जो जिस तरह का यहां पर कॉल राइटिंग हुआ है उसके अनुसार से अकॉर्डिंग टू दैट 44,200 के नीचे ही बंद होना चाहिए था। ओआई चेंज जो है इट्स ऑलमोस्ट 10 लाख। ये 44,500 पे पुट राइटिंग 11 लाख है, टोटल 15 था बट 5 लाख निकल गया, इधर अनवाइंड हुआ, एग्जिट करकर पुट राइटर्स भाग गए क्योंकि दे गॉट ट्रैप्ड। और यहां पे 25 और यहां पे एडिशन। तो ये जो है कल मंडे को हो सकता है जिस तरह का यहां पर पुट कॉल राइटिंग है ये थोड़ा नीचे भी खुल सकता है। यहां पे जो 11 लाख है, 4 लाख है, 8 लाख है एंड 12 लाख है स्पेशली एट 44,200 इस लेवल पे जो एडिशन हुआ है यहां से अनवाइंडिंग शुरू होगा और जो जिस तरह का माइनस में डेटा यहां पर आ रहा है यहां पे भी स्टार्ट होगा, देन इट कैन गो फर्दर डाउन टू 43,900। बट एक चीज हमें बहुत क्लियर दिख रहा है कि डेटा जो पुट साइड में है बहुत ज्यादा नहीं है, 11, 4, 8, तो इसके कारण बहुत ज्यादा गिरने का चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। 44,000 इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट विद द स्ट्रांग पुट राइटिंग। तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, गिरेगा फिर बाउंस बैक कर जाएगा, फिर मतलब एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। 44,000 ब्रेक करेगा और 43,900 भी ब्रेक कर देगा तब जाकर ये बड़ा सा ये 25 लाख 12 लाख इनमें से अगर अनवाइंडिंग शुरू हो गया तो एक बड़ा फॉल हम देख सकते हैं डाउनसाइड। बट अनवाइंडिंग जब होता है, जब ये निकलना शुरू होते हैं जिन्होंने बेचा है वो खरीदना शुरू करते हैं किसी साइड में भी, तो उस साइड का मूव बहुत फास्ट होता है। अगर राइटिंग हो रहा है तो उतना फर्क ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, आपको मूव फास्ट नहीं आएगा, लेकिन अनवाइंड होगा तो शार्प मूव आएगा। इस चीज को आपको आपको याद रखना चाहिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह का ये मंथली कैंडल का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। और ऐसा नहीं होगा कि ये रेड बन गया तो अगले दिन से ही गिरना शुरू हो जाएगा, नहीं, हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए थोड़ा ऊपर जाए इस लेवल के हाई तक एंड देन ये लेवल जो है इस मंथ का अगस्त मंथ का हाई क्या है 45,780, तो ट्रैप करकर और शार्प फॉल नीचे की तरफ 42,000 की तरफ हो सकता है। सो आपको चार्ट भी देखना है, डेटा भी देखना है, चार्ट से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे मंथ का, ठीक है, क्या हो करना चाह रहा है मार्केट। अगर हम ईयरली चार्ट देखें तो ईयरली में क्या बनाना चाह रहा है ये देखिए, पूरे साल का ये एक इनडिसाइसिव कैंडल डोजी काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। अगर ये थोड़ा नीचे क्लोजिंग हो जाता है और नीचे आ जाता है तो हो सकता है कि ये रेड कैंडल भी बन जाए। तो ये ईयरली है, तो ईयरली चलिए बहुत आगे हो गया, तब भी आप उतने एक साल का पोजीशन तो नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे तो इस मंथ का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। इसको आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड बनाना है और जो भी लेवल्स हमने बताया उसको फॉलो कीजिए। कीप पोस्टिंग मी ऑन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या और चाहिए इसमें नॉलेज, यू कैन आस्क मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू अगेन नेक्स्ट वीक विद द वीकली रिव्यू ऑफ बैंक निफ्टी। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि हमने पूरे हफ्ते का महीने का प्लान डिस्कस किया है। सो थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।